हेलो फ्रेंड्स, माय सोल पर्पस माय सोल मिशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और बताइए क्या हाल है आपके। जो मुझे समझ में आ रहा है, इस पेंडेमिक ने भी जो लोग बिल्कुल हेल्दी हैं, स्वस्थ हैं, मस्त हैं, वो अभी भी अपने डीएम की एनर्जी के बारे में ही सोच रहे हैं। डीएम डीएफ, बस ऐसे ही सवाल मुझे मेल में आ रहे हैं और व्हाट्सएप में आ रहे हैं, इंस्टा में आ रहे हैं। बट I want you, दोस्तों, जैसे कि मैं अभी रेगुलरली हर वीडियो में बोल रही हूँ, यू नो, आपका जो पर्सन है वो एक बहुत ही सेंसिटिव सोल है, एक मास्टर सोल है, सेंसिटिव सोल। यू आर ऑल्सो अ सेंसिटिव सोल, परफेक्ट मिरर एनर्जी। तो जब तक आप उनके ऊपर झांकते रहेंगे, वो कहीं और झांकते रहेंगे, ठीक है। सो जब आप डिवाइन की तरफ फोकस करेंगे, तब वो आपको देखना शुरू करेंगे। इसलिए ये पेंडेमिक का बेस्ट यूज करिए डिवाइन में मर्जिंग करने में और ज़्यादा से ज़्यादा अपनी नॉलेज को बढ़ाने में, इंस्टेड कि आप डीएम और डीएफ को मिस करते रहो, इसी के बारे में क्वेरीज करते रहो, मेल्स करते रहो, ठीक है। सो समझ लीजिए कि अगर आप वंस अगेन आई एम टेलिंग कि अगर आप अपने पर्सन के बारे में ही सोचते रहोगे तो वो आपसे रन करते रहेंगे, बिकॉज योर पर्सन एंड एवरी वन इज योर रिफ्लेक्शन ओनली, योर आउटर वर्ल्ड इज योर रिफ्लेक्शन ओनली। तो कुछ अगर आपको बुराई भी दिखती है, कुछ अपने पर्सन की आप कुछ शिकायतें भी करते हो, तो वो आपके अंदर ढूंढो, उस पर काम करो। ये पैंडेमिक का टाइम, स्पिरिचुअल अवेकनिंग का टाइम हम लोगों के लिए बेस्ट है, जब हम आराम से कुकून में रह के अपने अपने अंदर की बुराइयों को खोज के, उस पर वर्क करके एक बटरफ्लाई बन सकते हैं। यही सब सेम बातें मैं एक साल पहले करती थी, जब मेरे जो अभी बहुत इवॉल्व हो गए हैं लोग, उस वक़्त बहुत ज़्यादा आप सब लोग नए नए इस जर्नी पे सोल शॉक से गुजरे थे और फ्रस्ट्रेटेड थे, परेशान थे, तब भी मैं आप लोगों को हाई वाइब्रेशनल बटरफ्लाई बनने की सलाह देती थी, कुकून में जाने की सलाह देती थी। और अगेन एक जो नया बैच तैयार हुआ है इस साल, जो मैसिव अवेकनिंग हुई है, लगभग अक्टूबर नवंबर दिसंबर, इवन 21 वाले भी मुझे अप्रोच कर रहे हैं, जनवरी फरवरी में जो अवेकनिंग हुई है वो भी अप्रोच कर रहे हैं और वो जानना चाहते हैं कुछ इस जर्नी के बारे में। तो धीमे धीमे मैं फिर से पुरानी चीज़ों को आपके सामने लेके आऊँगी नए बैच के लिए, ओके। सो इस पेंडेमिक में मैं आप लोगों का फोकस शिफ्ट करना चाहती हूँ अबाउट द स्पिरिचुअल अवेकनिंग और असेंशन जर्नी, और क्या होते हैं फिजिकल सिम्टम्स ऑफ असेंशंस, ठीक है। आपको सबको पता है कि फिजिकल सिम्टम्स क्या होते हैं, बट लेट मी इंट्रोड्यूस द साइंटिफिक रीजन बिहाइंड दीज फिजिकल सिम्टम्स, ठीक है। दोस्तों, मेरी सलाह है कि आप लोग इस जर्नी पे एनर्जीज, चैनलिंग, डीएमडीएफ से अब उठकर अपनी नॉलेज को बढ़ाने में फोकस शिफ्ट करिए इस पेंडेमिक में, अगर आप घर पे हो, लॉकडाउन में हो, ठीक है। उनको याद करने की जगह पर अपने माइंड को डाइवर्ट करिए अपनी नॉलेज में, ठीक है, डिवाइन में की मर्जिंग करने में, डिवाइन पे फोकस करिए, तब वो तो आपकी तरफ देखना शुरू करेंगे, ठीक है, ओके। सो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि ये जो जर्नी है, ये पोलैरिटी की जर्नी है, जैसे मैंने कहा है कि अगर आप उनके टूवर्ड्स देख रहे हैं तो वो आपको, आपके पास कभी आने वाले नहीं है। मतलब कि अब आप डिवाइन के टूवर्ड्स देखेंगे, वो बिल्कुल आपकी ही तरफ देखने वाले हैं, श्योर शॉट, बिकॉज योर पर्सन इज़ योर परफेक्ट मिरर, परफेक्ट योर रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो एंड यू नो, एवरी वन इज़ योर रिफ्लेक्शन। अगर आप किसी के अंदर कुछ बाहर बुराई भी देख रहे हैं, तो वो आपके अंदर कहीं ना कहीं है, जाइए खोजिए, ठीक है। सो इस जर्नी का जो पहला सिम्टम है वो है, जब हम नए नए इस जर्नी में आते हैं तो हमको कुछ इन्फेक्शंस होते हैं। आप लोग कहते हैं मैम स्किन इन्फेक्शन हो रहा है, हेयर फॉल्स हो रहे हैं। सो क्या होता है, जब आप इस जर्नी में आते हो तो आपका जो इम्यून सिस्टम होता है, इट स्टार्ट अपग्रेडिंग, ठीक है। आप 4 डेंसिटी का, अब आपका जब आप 3D में हैं
तो 3D के थ्री थर्ड डायमेंशनल आपकी इम्यून सिस्टम से अब ये इज गोइंग टू चेंज इन फोर डेंसिटी ऑफ योर इम्यून सिस्टम. ठीक है, तो जब बहुत डिफिकल्ट होता है, जब डायमेंशन चेंज होता है तो आपके इम्यून सिस्टम को कोप अप करने में, आपकी बॉडी को कोप अप करने में. ठीक है, तो इस कारण से एंड एट द सेम टाइम हमारी वाइब्रेशन चेंज हो रही है, हमारी फ्रिक्वेंसी चेंज हो रही है. तो हमको जब बॉडी जब भी कोई भी एक्सटर्नल एनर्जी या कोई भी चेंजेस आपके रेगुलर चेंजेस आपकी बॉडी में आते हैं, रेगुलर कुछ डिफरेंट होता है, तो बॉडी इन्फेक्शन के फॉर्म में आपको दिखाती है कि देयर इज समथिंग रॉन्ग, समथिंग इज चेंजिंग, राइट. तो हमारे इम्यून सिस्टम में चेंज आता है, दैट इज द रीजन. सेकेंड आपका चेंज आता है आपके हॉट फ्लैशेस में. ठीक है, क्योंकि आपकी वाइब्रेशंस बहुत ज़्यादा इस टाइम पे आपकी जल्दी जल्दी फ्रिक्वेंसीज बढ़ती हैं, वाइब्रेशन आपके चेंजेस होते हैं, आपकी जो बॉडी के मॉलिक्यूल्स होते हैं दे आर लाइक बॉइलिंग वाटर. ठीक है, सो एंड इट जो हमारे ओल्ड वाइब्रेशंस हैं, नाउ इट इज चेंजिंग टू द न्यू फ्रेश वाइब्रेशंस. ठीक है, न्यू फ्रिक्वेंसी. ठीक है, एट द सेम टाइम हमारी अर्थ भी मूव करती है. ओके, योर अर्थ इज मूविंग, इट्स अर्थ की फ्रिक्वेंसी भी चेंज हो रही है, अर्थ की वाइब्रेशन भी चेंज हो रही है, आपकी बॉडी की वाइब्रेशन भी चेंज हो रही है, आपकी बॉडी की फ्रिक्वेंसी भी चेंज हो रही है. सो जस्ट इमेजिन कि एक बॉडी को कितना मुश्किल होता है कोप अप करने में. सो देयर इज फिजिकल सिम्टम्स इन द असेंशन ऑफ इन योर जर्नी और इन द स्पिरिचुअल असेंशन. ठीक है, क्योंकि आपकी बॉडी को कोप अप करने में प्रॉब्लम होती है, इट टेक्स टाइम. ओके, सो बेसिकली इस जर्नी पे इसे आपको समझ में आया कि आप दो चीज फेस करते हो इन द बिगनिंग, लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ पर्जिंग और वी कैन से रिजेक्शन. पर्जिंग मतलब कि जो भी आपके ओल्ड पैटर्न्स थे आपके अंदर, राइट, वो पैटर्न्स जो आपकी जानते भी नहीं थे, आपके अंदर ये बुराइयां हैं, ये आपके शैडो साइड्स हैं. ठीक है, या आपके पास्ट लाइफ के आपके ओल्ड बिलीफ सिस्टम्स पैटर्न्स, योर यू आइडेंटिफाई ऑल योर नेगेटिव पैटर्न्स एवरीथिंग. तो जब ये रिलीज होते हैं आफ्टर द स्पिरिचुअल अवेकनिंग, तो ये पर्जिंग के फॉर्म में रिलीज होते हैं, आप सब जानते हैं. तो मोर ऑफ द पर्जिंग, मोर ऑफ द रिजेक्शन, बिकॉज आपको रिजेक्शन फील हो रहा है, राइट. अब ये रिजेक्शन क्या, इट्स नॉट रिजेक्शन फ्रॉम योर DM और द सोसाइटी, इट इज लाइक व्हाट द हेल इज गोइंग ऑन विद मी, मुझे रोना क्यों आ रहा है. क्योंकि लाइक आपका जब डायमेंशन चेंज हो रहा है, आपकी फ्रिक्वेंसी चेंज हो रही है, आपकी बॉडी कोप अप नहीं कर पा रही है, योर बॉडी इज रिजेक्टिंग योर करंट वाइब्रेशन, योर करंट फ्रिक्वेंसी. आपको इन्फेक्शंस हो रहे हैं, आपको सब चीज़ें बिल्कुल बाहर रिलीज हो रही हैं. ठीक है, योर बॉडी इज रिजेक्टिंग एवरीथिंग, मीन्स जो नए फ्रिक्वेंसी नए डायमेंशन को बॉडी रिजेक्ट कर रही है, वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रही है, क्योंकि वो उसको तो आदत पुराने डायमेंशन की है, उसको आदत है पुराने वाइब्रेशंस की, उसको आदत है पुरानी फ्रिक्वेंसी की. यहाँ पर नई फ्रिक्वेंसी नई वाइब्रेशंस आपके पे, आप फोर डेंसिटी में टैप इन कर रहे हो, बॉडी तो रिजेक्ट कर रही है, बट आपको रिजेक्ट आप नहीं रिजेक्ट कर पा रहे हो, आप वो पर्जिंग की फॉर्म में बाहर आ रहा है. ठीक है, तो बेसिकली ओवरऑल द ऑल द पेन जो कहते हैं स्पिरिचुअल अवेकनिंग, ओ माय गॉड, बस बेसिकली होता क्या है, यही सारा ड्रामा होता है, बट आपको साइंटिफिक रीजन पता नहीं होता है. ठीक है, बहुत सारे आपके स्किन पे रैशेज होते हैं, ठीक है, ईचिंग होती है, अगेन जो भी हमारी वाइब्रेशंस चेंज होती हैं, ठीक है, जो भी पर्जिंग होती है, जो भी नेगेटिविटी आपके पोर्स से बाहर निकलती है, ठीक है, जो भी आपके अंदर जितनी नेगेटिविटी कितने जन्मों की, राइट, ऑल नेगेटिविटीज जो हैं वो आपके स्किन से बाहर निकलती हैं, ठीक है, पोर्स से, तो इट क्रिएट्स द स्किन इन्फेक्शंस. ठीक है, ठीक है, इट मीन्स जब भी आपको ईचिंग हो रही है, रैशेस हो रहे हैं, ठीक है, इरिटेशन हो, समझ जाइए आप, इट्स अ साइन दैट योर नेगेटिव एनर्जी इज कमिंग आउट. ठीक है, सो इट इज क्रिएटिंग द रैशेस. ठीक है,
सो जो लोग नए नए इस जर्नी में आए, घबराइए मत कि ये एकदम से हो क्या रहा है, रैशेज हो रहे हैं, ईचिंग हो रही है, स्किन खराब हो रही है, बाल झड़ रहे हैं, ठीक है। बट एट द सेम टाइम मैं आपको ये भी गाइड करूँगी जो नए नए हैं कि इफ़ यू विल चेंज योर डाइट एवरीथिंग विल बी परफेक्टली ऑल राइट। देखिए अभी भी बहुत लोगों को नेगेटिविटी होती है। नेगेटिविटी इज वॉट, जब हम लो जा रहे हैं तो हमें नेगेटिविटी हो रही है, ठीक है। अब नेगेटिविटी से भी कोप अप करने के लिए आपको एनर्जी चाहिए, जो ऑलरेडी इस जर्नी पे 1 साल से हैं, ठीक है। वो भी ध्यान से सुनिए कि अगर आप ऑलरेडी मतलब आप जो नेगेटिविटी को झेल रहे हो, डील कर रहे हो, मे बी द शिफ्ट इन द पोलैरिटी एंड वॉट एवर, ठीक है, कुछ भी बवाल हो गया, ठीक है, नेगेटिविटी आपके अंदर आ गई, अब उस नेगेटिविटी के साथ भी डील करने के लिए आपको एनर्जी चाहिए, यू रिक्वायर एनर्जी। तभी तो नेगेटिविटी जब होती है उसके हम लोग डल फील करते हैं, वीक फील करते हैं। द साइंटिफिक रीजन बिहाइंड कि वो नेगेटिविटी के बाद वीक क्यों फील होता है, बिकॉज योर बॉडी नीड्स एनर्जी टू डील एवरी इमोशंस एंड सिम्टम्स, ठीक है, बिकॉज एवरी थिंग इज एनर्जी, यू आर एनर्जी, योर बॉडी इज एनर्जी, योर इमोशंस आर एनर्जी, नेगेटिविटी, एवरी थिंग इज एनर्जी, और हर चीज में एनर्जी यूज होती है, राइट। सो हमें थोड़ा सा इस टाइम पे मेडिटेशन तो आपको पता ही है, इनर वर्क करना है, ठीक है, बहुत सारा रेस्ट भी करना चाहिए। अगर आप लोग नॉन वेज खाते हैं तो बी फॉलो द वीगन डाइट, ठीक है। अगर आप लोग अल्कोहल यूज़ करते हैं तो कोशिश करिए कि वो प्रोसेस फूड एंड अल्कोहल सबसे दूर रहें, ठीक है। एंड ध्यान, प्राणायाम, जो भी एनर्जी बस्टर चीज़ें हैं उनको अपनी लाइफ का रूटीन बनाइए, फिजिकल एक्टिविटी करिए एंड स्टे ग्राउंडेड, ठीक है। ये बेसिकली जो वीडियो मैं बना रही हूँ, जो अभी नए जो हमारे कदम रखे हैं इस जर्नी पे, उनको वेलकमिंग वीडियो है, ठीक है। सो बी इन योर माइंडफुलनेस, आप सबको इस थ्रू आउट द जर्नी अगर आप प्रेजेंट मोमेंट में रहोगे, आई एम टेलिंग यू, आई एम गिविंग यू द गारंटी कि आप लोगों के लिए ये जर्नी पूरी करना बहुत ईजी होगा, ठीक है। और जो लोग लॉजिकली इस दुनिया इस जर्नी पे लॉजिकली सोचते हैं, मैं लिख के दे सकती हूँ, दे कैन नॉट सक्सीड, ठीक है। आज भी बहुत सारे लोग मुझे शिकायतें लिखते हैं, मेरा डीएम ने मेरे संग ऐसा किया, क्या डीएम ऐसे कर सकते हैं? गो एंड चेक योरसेल्फ कि आप वैसी कहाँ हैं, बिकॉज योर डीएम इज योर परफेक्ट मिरर। इज अगर डीएम बुरा है तो वो आपका ही रिफ्लेक्शन है फॉर श्योर, ठीक है। सो अगर आप चाहते हैं, आप जर्नी को जल्दी कंप्लीट करना चाहते हैं, बी ग्राउंडेड, बी इन योर प्रेजेंट प्रेजेंट स्टेट, बी इन योर माइंडफुलनेस, ठीक है। और बिल्कुल अपनी फूड में आपके साथ साथ आप मल्टी विटामिन लीजिए, ठीक है, विटामिन D3, विटामिन B12, मैग्नीशियम, सो मेनी थिंग्स, ठीक है, फ्रूट्स एंड वीगन डाइट, ऑल कलरफुल फूड्स, रेनबो कलर फूड्स, एवरीथिंग इज इम्पॉर्टेंट। इस पर मैं एक पूरा फुल प्रूफ, एक बढ़िया सा वीडियो बहुत पहले बनाया था, जाके सर्च करिए, थोड़ी मेहनत करिए, ओके। द नेक्स्ट सिम्टम जो हमारा फिजिकल सिम्टम है वो है इंसोमनिया, ठीक है। तो आपको नींद की प्रॉब्लम आती है, रात रात में आप जगते हैं, लॉट्स ऑफ नाइट बगिंग होती है, ठीक है, बिकॉज यू नो आपको पता नहीं है हम रात में क्यों जागते हैं। हमारा जो माइंड होता है वो कंटिन्यूसली, क्योंकि नाउ वी आर स्टार्ट ऑपरेटिंग विद अवर सबकॉन्शियस माइंड, कॉन्शियस दिन जब तक आप जगते रहते हो आपका कॉन्शियस माइंड काम करता है, ठीक है, और उसके बाद सबकॉन्शियस माइंड काम करता है जब आप सो जाते हैं, ठीक है। उस टाइम पे आपकी बीटा थीटा डेल्टा ब्रेन वेव जैसे आपकी आती है, सबकॉन्शियस माइंड का काम शुरू हो जाता है। बट द फैक्ट इज दिस, जो को नहीं पता है, एक्चुअली योर माइंड वॉन्ट्स टू रिलैक्स, टू हील, बट उसको आराम नहीं मिलता है, तो बॉडी फिर उस हिसाब से रिएक्ट करती है। यू नो आपकी बॉडी सब जानती है, आप चाहे मेडिकल फील्ड से हो या ना हो, आपकी बॉडी को पता है कि कहाँ मुझे नो बोलना है, कहाँ मुझे यस बोलना है, राइट। तो अब रात में अगर आप जागते हो तो
तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आपको यहाँ पर डेमन जगा रहे हैं या एंजल्स जगा रहे हैं. एंजल्स यस, जब आपकी सन की डिग्री, सन आपकी जब आपकी कस्प होती है, नाइट एंड मॉर्निंग की कस्प होती है, जब अंधेरा छटने को होता है तब आपको जिसका ब्रह्म मुहूर्त बोलते हैं तब जरूर आपके एंजल्स जगाते हैं, पर उसके पहले आपको कोई नहीं जगाता है. ठीक है, सिर्फ आपका जो माइंड है इट वॉन्ट्स टू रिलैक्स, रिलैक्स टू हील. दैट इज द रीजन मेरे सारे जो मैंने अपने कोर्सेज बनाए हैं इवनिंग में करने को बोलती हूँ, सो दैट डायरेक्टली आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो हीलिंग का काम करेंगे, ताकि आपका सबकॉन्शियस माइंड खुद आराम करे और आपको आपकी हीलिंग करने दे. एंड दैट इज द रीजन कि हमारे चैनल पर बहुत सारे ब्लॉकबस्टर रियूनियंस एंड सक्सेस एंड प्रोग्रेस हो रही है, टच वुड. ठीक है, सो होता क्या है कि इसको हम लोग कहते हैं मेंटल पर्च. ठीक है, जब आप जागते हैं, ठीक है, आप सो रहे हैं, आपकी नींद खुल गई एकदम से, आप सोचते हैं मेरी नींद क्यों खुल गई, आपकी बॉडी आंसर ढूंढती है न्यू बिलीफ सिस्टम के बारे में. आप एनालाइज करते रात में जबकि आप सोचते हैं ऐसा क्यों हो रहा है, ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, व्हाट इज दिस. ये जो क्वेश्चनिंग आप करते हैं दिस इज कॉल्ड यू आर एनालाइजिंग, यू आर चेंजिंग योर न्यू बिलीफ सिस्टम, यू आर डील ट्राइंग टू हील योर इश्यूज. ठीक है, एंड दिस एक्चुअली हेल्प्स यू इन क्रिएटिंग योर न्यू वाइब्रेशंस. नाउ जब आपकी न्यू वाइब्रेशंस हुई, न्यू आपकी फोर्थ डेंसिटी की आपकी बॉडी है, ओके, न्यू फ्रिक्वेंसी है, तो डेफिनेटली न्यू टाइम फ्रेम से आपकी जो बॉडी क्लॉक है दैट वॉन्ट्स टू अलाइन विद द न्यू बॉडी क्लॉक. ठीक है, विद द न्यू टाइम फ्रेम. ठीक है, सो आपका क्वेश्चन ये होगा फिर हमें प्रॉब्लम क्यों होती है मैम रात के वक्त. होता क्या है कि आपका जो ओल्ड बॉडी फ्रेम है, टाइम फ्रेम है, ठीक है, 3D बॉडी वाला, नाउ यू आर शिफ्टेड टू 4D. ठीक है, तो 3D बॉडी तो सोना चाहती है, ठीक है, 4D जो बॉडी है वो एक्टिवेट होना चाहती है, वो हील होना चाहती है, वो अपनी वाइब्रेशन फ्रिक्वेंसी को रेज करना चाहती है एट द नाइट. जब ठीक है नाइट के टाइम ही आप अपनी बॉडी को हील करते हैं, याद करिए, समझिए, ट्राई टू अंडरस्टैंड. ठीक है, वो हील करना चाहती है, 3D बॉडी रिलैक्स करना चाहती है और 4D बॉडी हील करना चाहती है. तो जब दो चीज़ें आपस में टग ऑफ वॉर चल रही है तो क्या होगा, ठीक है ना, तो आपको अजीब सा लगता है. बट यस, आपकी बॉडी धीरे धीरे जब कोप अप कर लेती है, जब आप पूरी तरीके से 4D में आ जाते हो या 5D में आ जाते हो और आप 3 डेंसिटी वाले अपनी बॉडी को छोड़ देते हो, तब आपको सारी प्रॉब्लम्स ख़त्म हो जाती हैं. ठीक है, इसके अलावा हम लोग को डिजीनेस भी होती है. ठीक है, बहुत ज़्यादा आपको एन्जाइटी भी, उसी के कारण से बहुत ज़्यादा आपको एन्जाइटी भी होगी, डिप्रेशन भी होगा, एंड इट्स डेफिनेटली नाउ आई यू अंडरस्टैंड्स अ पार्ट ऑफ योर एसेंशन जर्नी. ठीक है, same reason that you are not tapping to the new reality. So again, once again, I will tell you, be grounded, be mindful. लेकिन जब आप tap in कर लेते हो 4D में या 5D में, तब क्या होता है, you look more radiant. कहते ना कि हमारी ascension journey जब हो जाती है तब बड़ी चेहरे पर चमक आ जाती है. ये कहाँ से आती है, कौन से फेस पैक से आती है, किसी फेस पैक से नहीं आती है. इस लाइक जब आपके पूरा आपका DNA, पूरा सेलुलर लेवल पर आपका पूरा DNA चेंज हो जाता है जब आप इनर वर्क करते हो. ठीक है, तो नाउ यू आर इन द हाई वाइब्रेशन, यू हैव नाउ न्यू एटम्स, न्यू मॉलिक्यूल्स, न्यू लाइक यू कैन से मसल, ओके, योर स्किन रीजनरेट, योर ब्लड हैज़ बीन क्लीन, नाउ यू हैव द न्यू एनर्जी.
सो डेफिनेटली यू विल फील मोर रेडी एंड यू विल फील ग्रेट, यू नो, यू विल फील मच बेटर एंड यू विल लुक मच बेटर. और आप एक अच्छी बॉडी, एक बहुत ही न्यू बॉडी को फील करेंगे, एक अलाइन बॉडी को फील करेंगे, मोर एनर्जी, है ना. और होता है कि साथ साथ जब आप सेल्फ लव करना सीख जाते हो तो साथ में आप लोग एक्सरसाइज योगा भी करना शुरू कर देते हो विद दिस विद इनर वर्क एंड एक्सरसाइज एंड योगा. तो सब चीज़ मिल के आपको इतने आपके अंदर पॉजिटिव इमोशंस भर देते हैं कि आपको अपने आप में अच्छा लगता है. अब आप देखिए कि इतनी देर में मैंने वो डार्क नाइट ऑफ द सोल जो आपकी थी, जब आप लोग बिल्कुल बुरी तरीके से आपका पूरा 3D से 4D में चेंज आ रहा था, कैसे आप परेशान होते हो, स्किन प्रॉब्लम होती है, ये होता है, वो होता है, सिर्फ मैंने इतनी देर में आपको ये बता दिया कि ये सफ़र कितना खूबसूरत है, कि आप कैसे एंटर दुख के साथ नेगेटिव इमोशन से एंटर करते हो, कैसे आप पूरी जर्नी में क्लेंज होते हो, पूरे आपकी न्यू एनर्जी आपकी फॉर्म होती है, न्यू वाइब्रेशन, न्यू फ्रिक्वेंसी, न्यू बॉडी, एक्चुअली न्यू सेल्स, न्यू एटम्स, एवरीथिंग सारा पर्ज होके बाहर निकल जाता है. एवरीथिंग, जितना भी आपका पास नेगेटिव एनर्जी, सब पर्ज होके बाहर निकल जाती है. वो आप कितने ब्यूटिफुल रेडिएंट होके आप एक बटरफ्लाई बनते हो. दैट्स वे हम लोग एक ब्यूटीफुल बटरफ्लाई बनते हैं विद फुल पॉजिटिव इमोशंस. सो तो देखिए ये जर्नी कितनी खूबसूरत है. और इस जर्नी में कहीं भी आपका DM नहीं है, फिर भी आपकी जर्नी बहुत खूबसूरत है. सो इस पेंडेमिक में आप बचाए DM DF में फोकस करने की जगह पर, इतना परेशान होने की जगह पर, जस्ट मेक योर जर्नी ब्यूटिफुल लाइक दिस, जैसे मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया. ठीक है दोस्तों, अपना ध्यान रखिए. लव यू ऑल. गॉड ब्लेस यू ऑल.